हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हर वक्त तरह इस बार भी जो है हम एक नई वैकेंसी के साथ आए हुए हैं। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में आई हुई है, जहाँ पे दोस्तों ITI के डिप्लोमा के BTEC के कैंडिडेट जो हैं फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड हैं जहाँ पे दोस्तों फाइनल ईयर के कैंडिडेट, फ्रेशर्स के कैंडिडेट जो एलिजिबल हैं। तो वो वैकेंसीज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइए, वहाँ पे जो है आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की आई हुई वैकेंसी इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी आई है, सबसे पहले बता दूँ, ये जो है एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है दोस्तों। 4 साल का दोस्तों यहाँ पर जॉब रखा गया है। और यहाँ पे दोस्तों बात की जाए, इसका जॉब लोकेशन जो है मैसूर कर्नाटक में होने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, जूनियर आर्टिशियन के लिए, ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो है वैकेंसियाँ रखी है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 24 सीट यहाँ पर रखी गई है, 86 वैकेंसी जूनियर आर्टिशियन के लिए, 25 जो 25 ईयर है ना, यहाँ पे जो है उसका एज लिमिट रखा गया है 25 ईयर एज मैक्सिमम। देन दोस्तों, यहाँ पे सैलरी देख सकते हैं 20,000, 18,000, 20,000 जो है यहाँ पे सैलरी रखी गई है। इसके साथ दोस्तों यहाँ पे जो है आपको और भी बहुत सारी सुविधाएँ मिलेंगी, जैसे कि दोस्तों आपको यूनिफॉर्म, देन दोस्तों वॉशिंग, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे दिया जाएगा। देन दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो साइंटिफिक असिस्टेंट वाली पोस्ट है उसमें कौन कौन सी ब्रांच जो है यहाँ पे एलिजिबल है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, जो साइंटिफिक असिस्टेंट वाली पोस्ट है और जूनियर आर्टिशियन वाली पोस्ट है, उसमें जो है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 111 है। यहाँ पे दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के इंस्ट्रूमेंटेशन के कैंडिडेट के लिए 6 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल के लिए 6 वैकेंसी, मैकेनिकल के लिए 6 वैकेंसी, केमिकल के लिए 6 वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। देन दोस्तों जूनियर आर्टिशियन में भी सेम यहाँ पे रखा गया है, इलेक्ट्रिकल फिटर, केमिकल प्लांट ऑपरेटर एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के कैंडिडेट जो है फॉर्म को, यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन दोस्तों यहाँ पे नंबर ऑफ़ कैटेगरी वाइज जो है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे किया गया है। देन दोस्तों क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो साइंटिफिक असिस्टेंट वाली पोस्ट है, इसमें जो है दोस्तों आपका डिप्लोमा रखा गया है। डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है इन द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, मेकाट्रॉनिक, इन सब ब्रांच में, तो आप जो है यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जो केमिकल वाले, डिस्प्ले वाले कैंडिडेट हैं, उनके लिए जो है BSc विथ केमिस्ट्री यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। देन दोस्तों इसके साथ साथ जो है आपको यहाँ पे मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांग रखा है इस फील्ड में, अगर आपके पास है तो आप जो यहाँ पे फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। जूनियर आर्टिशियन की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे जो जूनियर आर्टिशियन वाली पोस्ट है, इसमें जो है देखिए फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ITI कैंडिडेट जो है एलिजिबल है। देन दोस्तों जो केमिकल प्लांट ऑपरेटर है, इसमें 12th के PCM वाले कैंडिडेट जो है फॉर्म को यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। मिनिमम जो है दोस्तों यहाँ पे 60% जो है रिक्वायरमेंट रखा गया है। देन दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जाए और क्या क्या यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं, तो दोस्तों अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे एक्सपीरियंस है तो आपको जो यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। देन दोस्तों यहाँ पे जो ऑफिस असिस्टेंट वाली पोस्ट है, अगर उसकी बात करें तो यहाँ पे BSc BA BCOM के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे जो है आपके मेरिट के बेसिस जो है सिलेक्शन होगा। इसमें जो है दोस्तों रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट, जिसे हम स्किल टेस्ट कहते हैं, उसके बेसिस जो है यहाँ पे सिलेक्शन होगा। यहाँ पे कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं रखी गई है। और फाइनल लिस्ट जो है दोस्तों बोथ रिटन टेस्ट और जो ट्रेड टेस्ट है, उसके बेसिस पे जो है यहाँ पे लिया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट उसके बेसिस पे जो है यहाँ पे बनाई जाएगी। टेस्ट के रिगार्डिंग जो है ऑलरेडी हमारे चैनल में वीडियोज़ अपलोड हैं, आप वहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको बताया, इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है या फिर एग्जामिनेशन सेंटर कह सकते हो कहाँ पे होगा, तो दोस्तों इसका जो एग्जामिनेशन सेंटर है मैसूरू कर्नाटक में ही होगा। यहाँ पे दोस्तों जैसे कि दिया गया है, जो जूनियर आर्टिशियन वाली, ऑफिस असिस्टेंट और साइंटिफिक असिस्टेंट वाली पोस्ट है, उसके लिए डेट दे रखा है। ये डेट दे रखा है 18 तारीख और 17 तारीख, 17 अप्रैल और 18 अप्रैल को जो है यहाँ पे जो एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल है यहाँ पे मैसूरू में, जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है दोस्तों, वहीं पे जो है ये सारा इन्फॉर्मेशन, मतलब ये सारी चीज़ें जो है इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहाँ पे रखा गया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जो है यहाँ पे जाके इंटरव्यू वगैरह अटेंड कर सकते हैं, इसका एग्जामिनेशन दे सकते हैं।
अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे इसका एडवर्टीजमेंट नंबर क्या है। तो इसका एडवर्टीजमेंट नंबर दोस्तों 17/2021 है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लिया जा रहा दोस्तों इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। देन दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे जो सिलेक्शन मतलब कैसे आप अप्लाई करेंगे, तो इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रखा है। आपको करना कुछ नहीं है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है डाउनलोड करना है इनकी वेबसाइट से, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया गया है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ जो भी आपके डॉक्यूमेंट है और कलर फोटोग्राफ ये सारी चीज़ें जो भी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है ये सारी चीज़ ले जाके आपको जो मैंने डेट बताया इस डेट को जो है इस एड्रेस पे आपको पहुंच जाना है, और आपको इंटरव्यू या फिर जो भी यहाँ पे जैसे कि एग्ज़ाम वगैरह जो भी होगा आपको अटेंड करना है। तो यहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, आपको फॉर्म डाउनलोड करके इस दिन जो है यहाँ पे पहुंच जाना है अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हो तो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी ECLS रिगार्डिंग। बाकी अगर आप और डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप जो है quicktechd.com ये वेबसाइट है दोस्तों, इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको ढेर सारी वैकेंसीज जो है मिल जाएंगी, जैसे कि HPCL में, NBCC में, टाटा पावर में, इंडियन आर्मी में, बहुत सारी वैकेंसी जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जब इसको आप फर्दर नीचे करेंगे दोस्तों, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे जो है ECIL वाला ऑप्शन शो करेगा, आपको इसको क्लिक करना है। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पे ECIL का जो है जो रिक्रूटमेंट मैंने आपको बताया ये सारा इन्फॉर्मेशन जो आपको मिल जाएगा। जब आप इसको और फर्दर डाउनलोड करेंगे नीचे की तरफ करेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे इसका जो है क्लिक हियर आएगा, तो यहाँ से दोस्तों आप जो है इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। देन दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है दोस्तों आपको यहाँ पे आराम से मिल जाएगा। सो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन, आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है दोस्तों पसंद आई। अगर पसंद आई तो ज़रूर एक प्यारा सा लाइक दीजिएगा। सो मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नए ऐसी रिक्रूटमेंट बताएंगे दोस्तों जो आपको हमारे चैनल में सबसे पहले मिलती है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में, अपने भाई बहन में, सब जगह जो इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों हम आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों हमें मेहनत का फल मिलना चाहिए, और आप लोगों का प्यार इसी तरह बना रहेगा दोस्तों तो हम जो है एक बुलंदी पे खड़े हो जाएंगे। तो आप लोग का प्यार मोहब्बत की हमें सख्त ज़रूरत है, और इसी के साथ हम यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों। बाकी जो इन्फॉर्मेशन और भी रहती हैं, जो भी वीडियो हमने अपलोड कर रखा है आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे भी हमने बहुत ढेर सारी इन्फॉर्मेशन बताई हुई है फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए, फाइनल ईयर के कैंडिडेट के लिए। तो आप जो है उसको डाउनलोड करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं।